टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। बुलंदशहर की सियाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर 8 दोपहिया और 2 चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पकड़े गए लोग नोटों के चंद टुकड़े कमाने के लिए इन वाहनों की नंबर प्लेट और वेशभूषा बदलकर इन्हें आसपास के इलाके में बेच देते थे, जबकि ये चोर आसपास के जनपदों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 चोरों को चोरी के वाहनों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये थाना सयाना पुलिस के द्वारा 2 साथी अंतरप्रांतीय स्तर के वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम राजेश है जो नरसेना थाना क्षेत्र फराना गांव का है, दूसरा राजकुमार है जो बुगरासी नरसेना थाना क्षेत्र का है। उल्लेखनीय है कि इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और सभी 8 मोटरसाइकिलें ट्रेस्ड हैं जिनके मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इनमें से 5 चोरी के मुकदमे सयाना थाना में लिखे गए हैं, 2 नोएडा में लिखे गए हैं और 1 दिल्ली शाहीन बाग में लिखा गया है। तो इस तरह से 8 मोटरसाइकिलें जो बरामद की गई हैं वो लिंक्ड हो गई हैं और जहाँ से इन्होंने चोरी किया था। ये मूलतः मोटर मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, इनकी अपनी दुकानें हैं। राजेश की दुकान सयाना थाना क्षेत्र में है और राजकुमार की बुगरासी नरसेना में। ये मोटरसाइकिलें चुराते हैं, अपनी दुकान पे लाते हैं, फिर उसमें चेंजिंग करके उसको बेच देते हैं। तो इस प्रकार से एक साथी गिरोह का अनावरण हुआ है और इसके बारे में और भी हम लोग जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर 8 मोटरसाइकिलें हमने बरामद की हैं तो ये पूर्व में भी कुछ न कुछ इनका रहा होगा, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। और पुलिस अब गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को जेल भेज रही है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।